हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर अगेन ऑन माय चैनल जानकारी हित माय सेल्फ हित अभिलाषी शर्मा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट फंक्शंस ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी एंड हाउ कैन वी मेजर द सप्लाई ऑफ मनी विद स्पेशल इफेक्ट टू आवर कंट्री इंडिया। बात करेंगे मतलब मुद्रा के कार्य क्या है, मुद्रा की पूर्ति कैसे होती है, उसको मापते कैसे हैं, उसका माप कैसे किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। लेट्स मूव हेड विद मी टू डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स इन दिस वीडियो। तो स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं जो मानवीय लाइफ है, अब विशेष रूप पर हम आर्थिक लाइफ की बात करें तो पूर्ण रूप से हम मुद्रा पर निर्भर हैं। मनी के बिना आज के जिंदगी में हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारी जिंदगी को चला सकते हैं। गुड्स और सर्विसेज का जब भी लेना देना करना है, अपनी जरूरतों को पूरा करना है, हर इंसान की बहुत सी अनलिमिटेड वांट्स हैं, उनको कैसे पूरा करना है, तो उसमें मनी के बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारी जिंदगी चल सकती है। सो वी कैन क्लियरली सेज दैट मनी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो मनी के महत्व को समझने के लिए हमें इसके फंक्शंस के बारे में जानना होगा कि मुद्रा किस काम आती है, क्या क्या काम है मुद्रा के। तो फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में जब बात करते हैं, इसको तीन हिस्सों में बांट कर देखते हैं। वन इज द प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंड वन इज द सेकेंडरी फंक्शंस एंड थर्ड वन इज द अदर और कंटिंजेंट फंक्शंस। तो इन सभी कामों के बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट प्राइमरी फंक्शंस, और प्राइमरी फंक्शन को ओरिजिनल फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस और एसेंशियल फंक्शन के नाम से जाना जाता है। प्राइमरी फंक्शंस होते क्या हैं? मुद्रा के वो कार्य जो सभी जगह पर हर टाइम में और हर स्थिति में एक ही हैं, किसी भी देश में हो ये कार्य होंगे ही होंगे, उन सभी कार्यों को हम मुद्रा के प्राइमरी फंक्शंस कहते हैं। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जिसके लिए मुद्रा की खोज हुई, जिस कारण मुद्रा की खोज हुई, वो कार्य जो मुद्रा द्वारा किए जाते हैं उनको हम प्राइमरी फंक्शंस कहते हैं। प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का साधन, साधारण अर्थों में लेन देन, विनिमय मतलब एक्सचेंज। यस, मुद्रा का सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन में, विनिमय में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। जितना भी लेन देन होता है वस्तुओं और सेवाओं का, वो सिर्फ उसका जो माध्यम है लेन देन करने का, वो मुद्रा है। अब सोचो, जब मुद्रा नहीं थी, जब बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज चल रहा था, तो कितना मुश्किल होता होगा, वो हमने इससे पहले की वीडियो में, जिसमें मैंने मनी के बारे में और बार्टर सिस्टम के बारे में डिटेल में बताया, उसको देख सकते हो। उसमें बड़ी मुश्किलें आती थी, वस्तुओं का विनिमय करना इतना आसान नहीं, दैट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। तो मुद्रा का सबसे इंपॉर्टेंट काम हो गया कि इसके द्वारा हम गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। सेकंड वन इज द मेजर ऑफ वैल्यू, जिसको हम यूनिट ऑफ वैल्यू भी कहते हैं। तो मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हुआ? साफ शब्दों से पता चल रहा है, जो मुद्रा है वो किसी भी वस्तु या सेवा के जो मूल्य है उसको मापने का एक पैमाना है। यस, यूनिट ऑफ वैल्यू भी कह सकते हैं, किसी भी वैल्यू को मापने की एक इकाई है। मुद्रा के द्वारा ही हम किसी भी वस्तु या सेवा की जो प्राइस है उसको निश्चित कर सकते हैं। सोचो, अगर प्राइस ही ना हो किसी वस्तु और सेवा की, तो कितना मुश्किल होगा, कैसे एक्सचेंज होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज ऑल्सो द इट्स वर्क्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। इसी कारण जो मनी है इसके बारे में कहा जाता है, मनी एक्ट एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। किसी भी वस्तु के बारे में अगर हमने उसका हिसाब किताब रखना है, तो उसका कोई निश्चित माप होना, मूल्य होना चाहिए। मूल्य निश्चित करने का काम कौन करता है? मुद्रा करती है। तो मुद्रा के द्वारा हम किसी भी टाइप का जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है उसको मेंटेन कर सकते हैं। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दीज आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। अब बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। सेकेंडरी फंक्शंस होते क्या है, जिनको गौण कार्य कहते हैं, होते क्या है भी? सेकेंडरी फंक्शन आर द कंप्लीमेंट्री टू प्राइमरी फंक्शन। ये जो प्राइमरी फंक्शन है उसके साथ साथ हो ही जाते हैं, उनके कंप्लीमेंट्री हैं, उसके साथ ही चलते हैं। कौन कौन से हैं उनमें? सबसे पहले जो सेकेंडरी फंक्शन है, दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्थगित भुगतानों का मान। ये होता क्या है? स्थगित भुगतान क्या होते हैं, हम इसको समझते हैं। स्थगित भुगतान क्या होता है?
जब हम वस्तुओं का एक्सचेंज करते हैं, हर बार जरूरी ना कि वस्तु और सेवा दी साथ ही साथ हमने उसका रिटर्न में पैसे दे दिए, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है उसका भुगतान कुछ देर बाद हो। इसी को जो हम देर बाद कुछ टाइम पास करने के बाद हम भुगतान करते हैं, चाहे किसी से लोन लिया था या किसी से कोई सेवा हमने ली, उससे किसी वर्कर से हमने काम लिया, उसका भुगतान हम देर बाद कर रहे हैं। किसी से वस्तुएं परचेज की, भुगतान उसका 6 महीने बाद कर रहे हैं। इसको हम डेफर्ड पेमेंट्स कहते हैं, स्थगित भुगतान। स्थगित भुगतान का माप कैसे होगा? क्योंकि किसी को पैसे हमने 6 महीने बाद देने हैं तो कुछ ज्यादा देने पड़ेंगे, उसका मूल्य जो रिटर्न है 6 महीने बाद देने। अगर मुद्रा ना होती तो हम कैसे देते? बार्टर सिस्टम में जहां वस्तुओं के द्वारा लेन देन होता था, जो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है इसको निश्चित करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन मुद्रा ने हमारा काम आसान बना दिया। तो स्थगित भुगतानों का जो मान है उसको निश्चित करने में मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, क्योंकि इसकी वैल्यू में ज्यादातर एक स्टेबिलिटी रहती है। अगर मुद्रा में कहीं इनस्टेबिलिटी आए, अस्थिरता आ जाए, उस हालत में डेटर्स और कभी क्रेडिटर्स उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है, अगर मुद्रा की वैल्यू कम या ज्यादा हो। पर ज्यादातर ये स्टेबल पोजीशन में ही देखने को मिलती है, ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं आते। तो इसलिए जो डेफर्ड पेमेंट्स हैं उनको निश्चित करने में ये बड़ा इंपॉर्टेंट अपना रोल अदा करती है मनी। द सेकेंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी इज द स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य का भंडारण। मनी का एक महत्वपूर्ण काम भी मुद्रा का यह है, इसके द्वारा अगर कोई व्यक्ति अपनी धन संपदा को उसका भंडारण करके रखना चाहता है, वो करना बड़ा आसान है। जो कि बार्टर सिस्टम में नहीं था, उसमें वस्तुओं को कब तक कितनी मात्रा में कैसे संभाल कर रखेंगे वो खराब हो सकती थी, लेकिन मनी की सहायता से, मुद्रा की सहायता से हम उसको किसी भी रूप में संभाल सकते हैं। लिक्विड कैश के रूप में भी रख सकते हो, लोगों के अलमीराज में, कबर्ड में धन के भंडार लगे हुए होते हैं, आप उसको नियर मनी एज ए बैंक में भी स्टोर कर सकते हो। तो अपनी वेल्थ को किसी भी तरह से अगर संभालना हो, उसको स्टोर करना हो, उसको स्टोर करने में मुद्रा की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा जो सेकेंडरी फंक्शन है मुद्रा का, दैट इज अबाउट ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मूल्य का हस्तांतरण। मनी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। कोई भी व्यक्ति अपनी जो धन संपदा है, वेल्थ, प्रॉपर्टी, एसेट्स, उनको ट्रांसफर करना चाहता है एक जगह से दूसरे स्थान पर लेके जाना। बार्टर सिस्टम में ऐसा करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन मुद्रा के द्वारा हम किसी भी अपनी धन संपदा को एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमने घर अपने सिटी को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर लेना है, तो क्या करेंगे? जो यहाँ का घर है उसको हमने सेल आउट कर दिया, बेच दिया, तो बदले में हमें मनी मिल गई। उस पैसे को हम ट्रांसफर कर लेंगे, दूसरे सिटी में चले जाएंगे, वहां जाके एक और घर खरीद लेंगे जो हमें चाहिए। इस ढंग से हम ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। दीज आर द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। सेकेंडरी फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन के, तो ये उसके साथ अपने आप चलते रहते हैं। तीसरा बात करते हैं अदर फंक्शंस और कंटिजेंट फंक्शंस। वो क्या होते हैं? कंटिजेंट फंक्शंस वो फंक्शन है जिसके लिए मुद्रा बनाई नहीं गई थी, लेकिन ये अपने आप होने लगे। उनके लिए नहीं बनाई गई थी ये। वो कौन कौन से हैं? जिसमें से सबसे पहले है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आमदन को उत्पादन के भिन्न साधनों में बांटने का काम भी मुद्रा करती है। हमें पता है उत्पादन के 4 साधन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन 4 साधनों के ओनर कौन है? लैंड का ओनर है लैंडलॉर्ड, उसको अपने साधन को देने के बदले में रेंट मिलता है। इसी तरह से जो कैपिटल है उसका ओनर है कैपिटलिस्ट, उसको अपने कैपिटल दूसरे को देने के बदले में इंटरेस्ट मिलता है। और तीसरा वर्कर्स हैं, वो लेबर के मालिक, लेबरर्स हैं, उनको वेजेस मिलती हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप की जो कला है उस स्केल के लिए एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है भाई? प्रॉफिट मिलता है, और लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है। तो उत्पादन के जितने भी साधन हैं उनको, उनका रिटर्न मुद्रा के द्वारा हम इजिली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बार्टर सिस्टम में ऐसा करना बड़ा मुश्किल था। सो मनी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। सेकंड वन इज टू प्रोवाइड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर। हर व्यक्ति के पास भाई पैसे की बड़ी कमी है, वो अपनी अनलिमिटेड वांट्स को इस ढंग से पूरा करना चाहता है ताकि उसको मैक्सिमम संतुष्टि मिल सके। मनी के द्वारा वो अपनी एक एक पाई को इस ढंग से खर्च करता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। जैसे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी
इसको ध्यान रखा जाता है, उस ढंग से अपने पैसे को अगर वो खर्च करेगा तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ये इकोनॉमिक्स से हम स्टडी करते हैं। सो वी कैन से वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज आल्सो टू प्रोवाइड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर एज वेल। नेक्स्ट वन इज टू प्रोवाइड मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। प्रॉफिट कैसे कमाने, प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होनी है, उसको करने में भी जो मनी है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज द बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, साख उपलब्ध करवाना, उधार। यस, विद द हेल्प ऑफ मनी किसी भी इकोनॉमी में जो किसी व्यवस्था में रहने वाले आर्थिक गतिविधियां करने वाले व्यक्ति हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जस्ट लाइक बैंक, वो मनी की हेल्प से जो साख सुविधा है, उधार देने की जो सुविधा है, वो उपलब्ध करवा सकते हैं। बैंक के पास लोगों के पैसे जमा होते हैं, तभी वो आगे किसी को क्रेडिट देते हैं, नेक्स्ट उसमें से फिर कुछ जमा होता है, फिर आगे लिक्विडिटी का जो सप्लाई करने का प्रोसेस है वो लगातार चलता रहता है, तो लोगों को लोन से लोन, लोन से लोन आगे पैसे मिलते रहते हैं, तो मार्केट में काफी सारा क्रेडिट क्रिएट हो जाता है। सो वी कैन से मनी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रेडिट क्रिएशन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द बीरर ऑफ ऑप्शंस, मतलब निर्णय करने की ताकत देना। सिंपल शब्दों में कहूं, निर्णय कारक बनना। यस, बीरर ऑफ ऑप्शन का मतलब यह है अगर मुद्रा है तो कोई भी व्यक्ति जो आर्थिक गतिविधियों में इन्वॉल्व है वो डिसाइड कर सकता है उसने कौन सी वस्तु कब कितनी मात्रा में कहां से परचेज करनी है, क्योंकि ये मनी के द्वारा ही पॉसिबल हो सका। बार्टर सिस्टम में तो वो बेचारा फंस जाता था, उसको सोचना पड़ता था कि कहां से मिल जाए बस किसी तरह से। अब वो उसमें एक बीरर की ऑप्शंस आ गई है, वो अपनी मर्जी से निर्णय ले सकता है कब कितनी कितनी मात्रा में किस कीमत पर कब खरीदनी है उस वस्तु को। तो ये दैट्स आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन लिक्विडिटी, मुद्रा के कारण जो मार्केट में है तरलता बढ़ गई है, अभी पूंजी पैसे जो है वो बढ़ गए हैं। लिक्विडिटी के बढ़ने का मतलब ये होता है, और लिक्विडिटी इज द बेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जितने लिक्विड कैश होगा मार्केट में, करेंसी नोट्स होंगे जितने ज्यादा, चाहे वो नियर मनी के रूप में हो, बैंक मनी के रूप में हो, उतनी ही इकोनॉमी ज्यादा बूस्ट करती है, उतनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। तो मुद्रा का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया कि इसके साथ हम मार्केट में किसी भी अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। यस, पहले समझ लें इंसॉल्वेंट क्या होता है। इंसॉल्वेंट होता है दिवालिया होना, जिस व्यक्ति की लाइबिलिटी ज्यादा हो जाती है, वही एसेट्स कम है, तो उसको लीगली इंसॉल्वेंट करार दे देती है अदालत, ऐसा होता है। दैट इज अ प्रोसीजर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स ज्यादा जानते हैं, आपकी सुविधा के लिए मैंने बताया ऐसा। तो सॉल्वेंसी का मतलब उसके सॉल्वेंट होने की ये गारंटी है कि उसके पास पैसे ज्यादा है, वो किससे पता चलेगा, उसके पास जो उपलब्ध मनी है। मनी के द्वारा किसी भी व्यक्ति या फर्म की हम सॉल्वेंट होने को निश्चित कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज द इंडिकेशन ऑफ पावर। यस, शक्ति का प्रतीक। जिस दुनिया में हम रहते हैं ना भाई, इसमें दिखावे की दुनिया है, ये लोग पैसे के बल पे अपने को बड़ा दिखाते हैं। मैं इसमें विश्वास नहीं करता, पर ऐसी व्यवहारिकता है आज की लाइफ में। तो मनी जो इंडिकेटर ऑफ पावर के रूप में काम करती है, लोग अपना जो शक्ति प्रदर्शन करते हैं धन संपदा का, वो मनी के कारण ही पॉसिबल होता है। ऑल्दो इट्स अ नेगेटिव पॉइंट वी कैन से, बट इट्स सो, ऐसा है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी, जिनको हमने तीन हिस्सों में बांट कर देखा, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड अदर फंक्शन विच वी कैन से कॉन्टिजेंट फंक्शंस। कॉन्टिजेंट फंक्शंस, वैसे एक बात बता दूं मैं इसको, अचानक पैदा हुए फंक्शन, अकस्मात फंक्शंस भी कहते हैं, जो अचानक हो गए, इसके लिए करेंसी नहीं बनाई गई थी। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मनी सप्लाई और सप्लाई ऑफ मनी, जिसको कह सकते हैं मुद्रा की पूर्ति क्या है। What is supply of money? Supply of money is the quantity of money available in the economy at a specific time. एक निश्चित समय पर किसी अर्थव्यवस्था में जितनी मुद्रा उपलब्ध है उसको मुद्रा की पूर्ति कहा जाता है। मैंने स्पेसिफिकली कहा एक खास निश्चित समय पर, समय के मैंने डिस्टेंस dimensions की बात नहीं करी कि यहां से लेकर वहां तक, एक किसी खास दिन, let it may be on 31st March, on 31st December. एट अ स्पेसिफिक टाइम का मतलब ये है। तो मनी की सप्लाई किसी देश में कितनी होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर देश की एक क्यूरियोसिटी रहती है इस बात को देखना कि मनी की जो सप्लाई है बनी रहे। इसके लिए एक पैमाना बनाना जरूरी है, जिसके द्वारा दुनिया के किसी भी इकोनॉमी में हम ये मेजर करते हैं कि मनी सप्लाई कितनी है। तो बात करते हैं हम मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, मनी की सप्लाई को मेजर कैसे करते हैं। जहां तक मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई की बात होती है, उसके बारे में बता दूं, एक डिफरेंट टाइप के पैमाने हैं हमारे पास आज तक, अलग अलग ढंग से
स्केल डिटरमिन किए गए हैं। जैसे भारत में मनी की सप्लाई को मेजर करने का पैमाना फर्स्ट टाइम 1966-67 में आरबीआई ने दिया, उसको M1 का नाम दिया गया, फर्स्ट स्केल। तो M1 के नाम से जानते हैं, M1 जस्ट अ सिंबल, एक चिन्ह है भी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। M1 मतलब एक फर्स्ट मेजरमेंट का जो ढंग दिया गया, दैट इज M1। ऐसे चार ढंग है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, चार पैमाने हैं जिसके द्वारा मनी की सप्लाई को हम मेजर कर सकते हैं। आओ उनके बारे में एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है M1। M1 को ध्यान से देखो, M1 क्या है? CE+DD+OD। इनका मतलब क्या बना? जो मुद्रा की पूर्ति है, इन तीनों का जोड़ है किसी अर्थव्यवस्था में। C का मतलब होता है करेंसी इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक, लोगों के हाथ में जो पैसा है। सेकेंड वन है DD है डिमांड डिपॉजिट, ऐसा डिपॉजिट जो लोगों ने किया हुआ है, जब वो डिमांड करते हैं बैंक वगैरह से ले लेते हैं, चेक दिया, डिमांड की, बैंक ने पेमेंट कर दी, दैट इज डिमांड डिपॉजिट। थर्ड वन इज द OD, जो M1 का जो तीसरा हिस्सा है, दैट इज OD अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट में वो सारी मनी का हिस्सा होता है जो दूसरी फाइनेंशियल यूनिट्स के द्वारा RBI के पास डिपॉजिट करवाया गया। इसमें गवर्नमेंट और बैंक्स के पैसे को शामिल नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना। अदर डिपॉजिट में दूसरी जो फाइनेंशियल यूनिट्स है उनके द्वारा RBI के पास जो पैसा डिपॉजिट करवाया है, वो इसका पार्ट है अदर डिपॉजिट का। सो M1 के तीन पार्ट बन गए। N1 में तीन चीजें हैं जिनको एड अप करने से, एग्रीगेट करने से हमें पता चल जाता है कि मनी की सप्लाई कितनी है, CE+DD+OD। अब दूसरा मेजरमेंट, जो वक्त के साथ जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बदली, इंसान ने आगे आगे डेवलप होता चला गया, दूसरा पैमाना जो एग्जिस्टेंस में आया इकोनॉमिक्स में, हम जिसकी बात कर रहे हैं, दैट इज M2। M2 में क्या है? M2 है M1+SDP। ध्यान से M1 का मतलब वो तीनों चीजें तो हैं जो मैंने M1 में करवाई थी, CE+DD+OD। तो SDP क्या है? सेविंग डिपॉजिट्स इन द पोस्ट ऑफिस बैंक्स, लोगों ने जो पोस्ट ऑफिस के बैंक में अपने पैसे जमा करवाए हैं, वो भी इसका पार्ट है। उन दोनों को ऐड करके मनी की सप्लाई का पता चल सकता है। जो थर्ड मेजरमेंट है मनी की सप्लाई को मेजर करने का, दैट इज M3। M3 की वैल्यू को देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? M1+NTDB, नेट टाइम डिपॉजिट इन द बैंक्स। NTDP का मतलब क्या बना? नेट टाइम डिपॉजिट इन द बैंक्स, लोगों ने जो टाइमली फिक्स डिपॉजिट वगैरह करवाए हुए हैं बैंक में, वो पैसा भी मनी सप्लाई का पार्ट माना जाता है। साथ में M1 तो है ही सारा का सारा। नेक्स्ट सबसे जो ब्रॉडर सेंस में जिसको हम देखते हैं, वो है फोर्थ मेजर, विच इज नोन एज M4। चौथा पैमाना क्या है? इसमें क्या करते हैं? M3। M3 का सारा इंक्लूड हो गया, साथ में TDP, टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस बैंक्स, साथ में जो टोटल डिपॉजिट्स है पोस्ट ऑफिस बैंक का, वो शामिल, M3 भी शामिल है। M3 में क्या क्या है हम जान चुके हैं। और इसका मतलब अगर हम इनको एनालिसाइज करने की बात करें, जो M1 है उसमें देखा जाए लिक्विडिटी ज्यादा है, कैश ज्यादा है। M2 में भी थोड़ा ज्यादा कैश है, नियर मनी है उसमें। जो फर्स्ट और सेकंड है M1 और M2, ये थोड़ी बट नैरो सेंस में है। ज्यादा अगर हम मनी सप्लाई देखनी है तो M3 और M4 में देखने को मिल रही है भाई। तो ये ब्रॉडर सेंस में ज्यादा जो ब्रॉड डेफिनेशन कॉन्सेप्ट है मनी सप्लाई का, वो देखने को मिलता है। लेकिन लिक्विडिटी M1 और M2 में ज्यादा है, ये ध्यान रखना। ये था मनी सप्लाई के बारे में। तो स्टूडेंट्स एक बात और, हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया, तो बात करते हैं कि भारत में मनी सप्लाई के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मनी सप्लाई इन इंडिया, हमारे देश में मनी सप्लाई की क्या पोजीशन है? हमारे देश में जो करेंसी नोट्स हैं, क्वाइंस हैं, इतने चल रहे हैं भाई, 500 का नोट, 2000 का नोट, अभी 1000 का भी होता था, ऐसे क्वाइंस हैं, रुपीज हैं, इनको कौन बनाता है, इसके बारे में बात करते हैं। आपको एक बात बता दूं, सिर्फ 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सारे के सारे क्वाइंस और करेंसी नोट्स को हमारे देश का सेंट्रल बैंक RBI बनाता है। RBI की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 रुपए का नोट कौन बनाता है, यह भी पता होना चाहिए। जो 1 रुपए का नोट है इसको हमारे देश का फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो वित्तीय विभाग है, वो तैयार करता है। जो करेंसी नोट्स हैं और जो क्वाइंस हैं, इनको बनाने का काम करता कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक संस्थान है, वो इसको तैयार करने का काम करता है। उसका पूरा नाम क्या है? SPMCIL,
SPMCIL क्या मतलब है इसका? S से है सिक्योरिटी, P का मतलब है प्रिंटिंग, M का मतलब है मिंटिंग, C का मतलब है कॉरपोरेशन, I से है इंडिया, L से है लिमिटेड। इसका मतलब पूरा नाम क्या हो गया? द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जो ये संस्थान है हमारे देश में जो करेंसी नोट्स और कॉइन वगैरह इनको बनाने का काम करता है। इसके लिए हमारे देश में ध्यान रखना 4 टकसाल है, 4 प्रेस हैं और एक पेपर मिल है। ये सारे के सारे मिलके हमारे देश में करेंसी बनाने का काम करते हैं, सप्लाई करने का काम 1 रुपए के नोट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है और बाकी सारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। समझ लगी मेरी बात? सो स्टूडेंट्स, आई थिंक द होल कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर, सब समझ आ गया होगा। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट दें, आई विल ट्राई टू इवन आंसर देयर। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और बहुत सी वीडियो इस चैनल पर हैं, उनको भी देखिए। कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट्स और मोटिवेशन वीडियो जानकारी इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उनको देखिए। बहुत सी आने वाली वीडियोज़ हैं, उनका भी इंतजार कीजिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच।